والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ساڈا مشکل کشا ہے علی جیند در تو پہ بن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیند در تو پہ بن دے ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی او جیند در تو پہ بن دے ولی مینوں لگدا ایتھے اس محفل وچ تاں اوہی آئے گا جیڑا علی نوں مندا ہوئے گا تے پھر جیڑا علی نوں مندا ہے تے میں وی آنا میرے نال با آواز بلند پڑھو تے اپنے ہتھاں نوں ہی بلند کرو ساڈا مشکل کشا ہے علی ओ जेंद दर तो पै बन दे वली साडा मुश्किल कुशा हे अली ओ जेंद दर तो पै बन दे वली साडा मुश्किल कुशा हे अली जेंद दर तो पै बन दे वली साडा मुश्किल कुशा हे अली ओ जेंद दर तो पै बन दे वली ओ साडा मुश्किल कुशा हे अली ओ जिंद दर तो पै बन दे वली साडा मुश्किल कुशा हे अली
जेंद दर तो पै बन दे वली ओ ते दरजा वली की वे पावे ओ जे तई मोहरे अली सही न लावे होयो ते दरजा वली की वे पावे हो जे तई मोहरे अली सही न लावे जे तई मोहर अली सही न लावे ओ ते बनदा आके वली ओ जय चौखट अली दी मली ओ ते बनदा आके वली ओ जय चौखट अली दी मली साडा मुश्किल कुशा है अली ओ जेंद दर तो पै बन दे वली साडा मुश्किल कुशा है अली जेंद दर तो पै बन दे वली। हजरत मुहतरम बाद हमद सलाह दे आज दी ए नूरानी महफिल उस मुबारक दे हवाले दे नाल सजाई गई है। सदात दी नौकरी है ते इन्ना कोल असी दुआ वास्ते दुआ लैण वास्ते हाजिर होए हैं दुआ लैण वास्ते हाजिर होए हैं। सदात दी नौकरी किसे किसे नू किसे किसे इंसान नू ए सादत मिलती है कि सदात दी नौकरी करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह मेरे महबूब अली सलात व सलाम नु शान अता फरमाई मेरे महबूब नु मकाम अता फरमाया मेरे महबूब नु इज्जत अता फरमाई मेरे महबूब नु अजमत अता फरमाई इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब दे अहल बैत नु भी इज्जत अता फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह करीम ने शाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मालिक कायनात ने शाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सरकार दे अहले बैत नू नबी पाक सरकार दे पाक घराने नू ए शान अता फरमाई ए अजमत अता फरमाई। आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने एक जुमला बयान किया फरमाया के लोगो दुनियादारो जदों कयामत दा दिन होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सरकार दी अहले बैत दे नाल ताल्लुक रखन वाले घराने दे नाल ताल्लुक रखन वाले जदों कयामत दे दिन अशर दे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दरबार च खड़े होणगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए अहले बैत नू मकाम मर्तबा ता फरमाया। इमाम फरमांदे ने कि जदों हशर दे दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दरबार च सादात खड़े होंगे रब ताला सादात दे जो गुनाह होंगे दुनिया दे उना दे उते पर्दा डाल देवेगा पर्दा पाए जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उना दे गुनाहां नू ते उते पर्दा डाल देवेगा। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो ए कोई आम घराना नहीं ए ता बड़िया शाना वाला घराना है। मेरे आका ने सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया के आए मेरे गुलामो दो चीजां तुहाडे दरमियान छड़ के जा रहा एक रब दी किताब एक मैं अहले बैत नु छड़ के जा रहा। सवाल होया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ नहीं आई तुहाडे करीब ता सहाबा कराम ने जिन्ह ने अपनी जाना भी कुर्बान कीतियां ने
अपना घर बार भी कुर्बान किया है, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हक ताए बनदा से जे सहाबा कराम दे बारे फरमा दे। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, उस दिन दा सवाल अज दा जवाब नोट कर लो अपनी जहन दे गल दे विच, अपने जहन दे उते ए तख्ते नशीन कर लो। रब फरमांदा है, मेरे महबूब दा जुमला बड़ा कीमती सी। मेरे महबूब ने फरमाया, सहाबी रसूल 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद, हत्ता के 150 साल बाद, सहाबी रसूल इस दुनिया ते नामो निशान खत्म हो जाएगा, सिर्फ नाम उन्हां दा बाकी रहेगा, कोई सहाबी मौजूद नहीं रहेगा। अगर इन्हां दे दरमियान कोई रहेगा तो मेरी अहले बैत ही बाकी रहे। ए रब दी किताब ही ते मेरी अहले बैत। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, मैं कुर्बान जावा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मदीनातुल मुनव्वरा की है, मदीनातुल मुनव्वरा। मेरे आका ने अली पाक नु भेजिया, अली जा फलाना कम करके आ। हजरत अली जल्दी वापस आ गए, ते अली दी गैर मौजूदगी च एक हदीस जो बड़ी मशहूर है, जो तुहाडे सामने पढ़िए, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हजरत अली दी गैर मौजूदगी च नबी पाक सरकार ने ऐलान किया, तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। उस वक्त दा किसे सहाबी ने सवाल नहीं खड़ा किया, कदी नबी पाक सरकार जदों आप अपने उस लहजे दे अंदर बैठे होवन, कि फिर फरमाते ने जदों मुस्कुरावन फरमाते ने, आए तलहा तू जन्नती है। तवज्जो दे नाल यार, जन्नत देने वाला तो रब है ना, जन्नत पहुँचाने वाला भी रब है। अपने फजलो करम दे नाल रब ताला जिन्हों चाहे जन्नत दे विच भेज देवे। मेरा महबूब फरमाते ने, आए अबू बकर तू भी की है जन्नती है, आए उमर तू भी जन्नती है, उस्मान तू भी जन्नती है, अली तू भी जन्नती है, तलहा तू भी जन्नती है, जुबैर तू भी जन्नती है, अबू हुरैरा तू भी जन्नती है। मैं आहना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जद बैठे होवन इस हालत के अंदर, इस कैफियत के अंदर, नबी पाक सरकार का दिल करे कि मैं आज अपने गुलाबों को कुछ ना कुछ वंडी जावा वंडी जावा। नबी पाक सरकार ऐलान करते जाते ने, जंती जंती कहते जाते ने, किसी सहाबा की यह मजाल नहीं हुई, ये सवाल नहीं खड़ा किया, किसी सहाबी ने यह नहीं किया कि या रसूल अल्लाह जन्नत पहुँचाने वाला तो रब की जात है, तुसी क्यों तकसीम कर रहे हो। किसी सहाबी ने सवाल नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते ने नबी पाक सरकार दे सहाबा करा मुस्कुराते ने, अर्ज करते ने, सुनिया तू जो लजपाल है, तू जो करीम है, जन्नत चाहे वंड देवे, चाहे किसी वंड देवे, चाहे किसी अरबी नु वंड देवे, चाहे किसी गुनाहगार नु वंड देवे, तू जन्नती है। और इस नु नबी पाक सरकार फरमांदे ने, ऐ मेरा सहाबी तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। नबी पाक सरकार ऐलान करते जांदे ने, करते जांदे ने, करते जांदे ने। किसी सहाबी ने ए नहीं किया कि या रसूल अल्लाह ए तां जन्नत देण वाला रब दी जात है, तुसी क्यों दे रहे हो। फरमांदे ने, महबूब
अजी एक गुजारिश भी है कि जेडे बार इंतजार दे अंदर ने पंडाल दे अंदर तशरीफ लियाओ मैनु हुक्म कीता ने ते मैं हुक्म दी तामील कीती जे तुहाडे तक आवाज पहुंचाइए ते जेडे इंतजार च ने पंडाल दे अंदर तशरीफ लियाओ। तो मैं अर्ज कर रहा सां अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। यार किसी सहाबी ने यह सवाल नहीं खड़ा किया यार रसूल अल्लाह चलो ये तो असी मनिया है अबू बकर दे कह मुताले कह छड़े जनती है उमर दे बारे भी कह छड़े जनती है उस्मान दे बारे भी कह छड़े जनती है अली दे बारे भी कह छड़े है यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अब्दे नवासियां नू जन्नत दा सरदार बना छड़े। किसे सहाबी ने सवाल नहीं किया बल्कि खुश होए मैं तुहानू दसना चाहना सब तो पहले जिसने मुबारकबाद पेश की तवज्जो दे नाल बड़ा कीमती जुमला अर्ज करना चाहना मैं अपनी गुफ्तगू सिर्फ इसी मौजू ते इसी टॉपिक ते अगे लेके जानी है कि नबी पाक सरकार ने जदों ऐलान किया अली पाक मौजूद नहीं सी ऐलान होया कि आए मेरे गुलामो हसन हुसैन जनती नौजवानों के सरदार ने किसी ने यह सवाल नहीं किया या रसूल अल्लाह सरदार इन्हों दे छड़ी बल्कि खुश हो गए खुश हो एवं वक्त गुजरिया अली पाक तशरीफ लैके आए अली दा सुन के ना जरा ठरद है ना वह ही कह छे सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों हजरत अली पाक तशरीफ लैके आए एक बुजुर्ग ने वेख्या अली नू आंदे आ तवज्जो दे नाल एक कैफियत रखनी जे सदात दी नौकरी कर रहे हां ते बड़ी जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हां अली पाक तशरीफ लैके आए बुजुर्ग खड़े होए सफेद लिबास सफेद पोशाक सफेद दिल ते आए सफेद ने दाढ़ी भी सफेद आपने जो इमामा पहना होया वो भी सफेद खड़े हो गए दो कदम चले तीन कदम चले चल के अली पाक नू फरमाया ऐ अली तैनू मुबारक होवे महबूब ने ऐलान किया है ओ ऐलान केड़ा है नबी पाक सरकार ने ऐलान किया है ऐ अली तेरे बच्चियां दा ऐलान होया है मेरे आका अली सलातु सलाम ने फरमाया हसन हुसैन जनती नौजवानों दे सरदार ने मैं तेनू मुबारक देना ते मेरे भी भतीजे ने ते तेरी औलाद सब तो पहले मुबारक देने वाले कौन सा मैं दोस्तों बुजुर्ग तुहानू दसना चाहना उस बुजुर्ग नू होर नहीं ना तू बल्कि उस बुजुर्ग नू अबू बकर दे ना तू दुनिया जान दी सब तो पहले अबू बकर सिद्दीक ने मुबारक दिती फिर एक होर उठे जुल्फा ने वड़िया वड़िया जुल्फा ने सोना सोना चेहरा है उच्चा लंबा कद दे चलते ने अली पाक नु सीने दे नाल लांदे ने फरमांदे ने अली तैनू मुबारक होवे तेरे बेटिया नू नबी पाक सरकार ने जनती नौजवानों का सरदार बना छड़िया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो उस बुजुर्ग नू उस जुल्फा वाले नू लंबे ते उच्चे कद वाले नू दुनिया उमर फरूक दे ना तू जान दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गो एक होर सहाबी रसूल खड़े होंदे ने आके मुबारक देंदे ने उस सहाबी नू उस्माने गनी दे ना तू दुनिया जान दी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो उस वक्त किसे सहाबी ने यह सवाल नहीं किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैह
अलैहि वाली वसल्लम तुसी जड़ा है बड़े अजीब हो, कदी किसे सहाबी नू जन्नत दे टिकट दे देंदे हो, कदी अपने अहले बैत नवासियां नू अपने नवासियां नू जन्नती नौजवान दा सरदार करार दे आंदे आई उस नू माले गनीमत चो हिस्सा दे चढ़ दे परमाने हुजूर लै जो सब कुछ तुहाडा है। गए इमाम हुसैन पाक आए आप उसनों भी दे छड़ देने अब्दुल्ला बिन उमर अर्ज कर देने दसो वक्त दा खलीफा कौन है। हजरत उमर फरूक फरमांदे ने मैं उमर फरमाया कि मैं कौन और तू मेरा बेटा ये ते दसो। हसन हुसैन आंदे ने बगैर ही कतार दे उन्होंने सब कुछ अदा कर दे हो ते मैं कतार च लगा होया मेरा नहीं हक बनता सी कि मैनू तुसी बगैर कतार दे आंदे मैनू ए दस अगर तेरे नाने वर्गा उन्हां दे नाने वर्गा तेरा नाना नहीं उन्हां दी मां वर्गी तेरी मां नहीं उन्हां दे बाप वर्गा तेरा बाप नहीं उस घराने वर्गा साडा घराना नहीं असी तो उस घराने दे नौकर आए तू किवें कहना है तू किवें कहना है कि मैं भी बगैर कतार दे मैनू सब कुछ मिले है। एक शहजादी जिसनू शहर बानो आंदे ने कि जो कैद होके ना ईरान दी शहजादी जो कैद होके आई ना ते वक्त दे खलीफा सोचन लग पाए फरमाया कि हुसैन नू बुलाओ हुसैन नू फरमाया कि इस दा निकाह हुसैन दे नाल कर दो। सवाल होया हुजूर ए की होया फरमाया ओ शहजादी सी ते शहजादी वास्ते शहजादा ही मुंतखिब करना सी ना है शहजादी वास्ते शहजादा ही मुंतखिब करना सी। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो ए अहले बैत दी शान है ए अहले बैत दा मकाम है ए मर्तबा है ए उन्हां दा शान आला है। अल्लाह करीम ने जिस तरह अल्लाह करीम ने सारे नबियां दे विचों नबी पाक सरकार नू अजमत अता फरमाई नबी पाक सरकार नू शान अता फरमाई ओ आला मर्तबा अता फरमाया और इसी तरह मेरे महबूब अली सलातो सलाम दी अहले बैत नू अल्लाह करीम ने शान अता फरमाई। हुजूर हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलातु सलाम दा बचपन है चलदे चलदे आए नाना नमाज पढ़ा रहा है आप पुछते बैठ गए ते बैठे इमाम हुसैन ने जदों नबी पाक सरकार दे पुछते बैठे नबी ने सजदा तवील कर दिता एक तस्वीर दो तस्वीर दस पंद्रह वी पंजा सठ सत्तर पढ़ी ना तो फिर इमाम हुसैन खुद ही पुछ तो हट गए वापस चले गए। किसी सहाबी ने यह नहीं सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सजदा इन्ना लम्मा बाद को आदने ना सहाबा कराम ने सवाल किया ये आदाब दे खिलाफ है कि जेड़ा सब तो अगे आला होवे उसके अगे कौन सवाल कर सकता है और फिर जेने पुछते भी अहले बैत दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बैत नू शान अता फरमाई और इमाम हुसैन जिससे पुछते बैठे ओ नाना भी आला ते इमाम हुसैन भी आले फरमाया ए ते दसो साबा कराम वाले जो रुख किया ना मेरे महबूब ने ते वेखिया कि उन्होंने चेहरे पढ़ लाए फरमाया इन्होंने चेहरे चु सवाल नजर आते ने। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामो आओ मैं तुहानू दसा तुहाडे चेहरे दसते पए ने कि तुसी सवाल करना चाहते हो लेकिन इन्नी तुहाडे च कुवत नहीं ताकत नहीं जुर्रत नहीं। मेरे आका ने फरमाया मेरी पुश्त ते हुसैन सवार हो गया इसी वजह तो मैं अज सजदे नू लंबा कर छड़िया। हजरत अली पाक घर गए आके फरमाया सय्यदा फातिमा तु जहरा नू आप फरमांदे ने कि आए फातिमा आए फातिमा आज तेरे बेटे ने जाके अपने नाना दे पुश्ते सवार हो गए
ਤੇ 19 ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਸਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਆਏ ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਤਸਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ 70 ਮਰਤਬਾ ਤਸਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ 72 ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੋ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੋ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਪੜੋ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਕ ਬੋਲੀ, ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹਿਰੇ ਫਿਰਾਕ ਬੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਓ, ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਨੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ? ਫਰਮਾਇਆ
इमाम हुसैन ने मैनू यह दसिया कि तुहाडा बाप साढ़े घर का नौकर जे, तुहाडा बाप साढ़े घर का नौकर जे। अच्छा फिर इदा कर, लेट क्यों? ऐ पढ़ कलम, ऐ पढ़ वर्क, जा लिखवा के आ, जा लिखवा के आ। वाकई उन्हें गल की जी अब्बा हुजूर दौड़ते दौड़ते आए। हजरत उम्मे अली मकाम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप दी दरबार च अर्ज करते रहे, अब्दुल्लाह ऐ हुसैन जेड़ा कुछ मैनू किया ये इत्थे लिख के दे। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया बेशक जेड़ा कुछ मैं दस्या है, जेड़ा कुछ मैं सो जाए। वक्त दा अमीर भी समझते ने। तो मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो, ये अहले बैत दा मकाम मर्तबा अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ये अहले बैत नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हर नजस तो पाक रखिया है। आला हजरत फरमाते ने आखिरी गल कि आंदे ने कि इंसान दे जिस्म दे नाल पलीती लग जाए ना तो उसनों सौ वारी धोवे तो उसका निशान बाकी रहता है।